कर्ज से परेशान किसान ने जहर खाकर दी जान। सिराली तहसील के गांव डगावा शंकर का मामला। कर्ज के बोझ तले दबे किसान में सल्फास खाकर अपनी ही लीला समाप्त करने जैसा कदम उठाया और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक के पुत्र ने इस बात की पुष्टि की है कि उसके पिता कर्ज से परेशान थे। कर्ज के चलते उसकी जमीन बिक चुकी थी। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री के गृह जिले हदरा जिले के तहसील डगावा शंकर में एक बड़ा मामला सामने आया, जहां एक किसान ने कर्ज के कारण सल्फास खाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने बताया कि किसान राजेश पिता लक्ष्मी नारायण करोड़े उम्र 40 निवासी डगावा शंकर ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। वहीं मृतक के बेटे वीरेंद्र का कहना है कि पिता ने कर्ज से परेशान होकर जहर खाया। वीरेंद्र ने बताया कि पिता पर 40 लाख का कर्ज था। हमारे पास 10 एकड़ जमीन थी, वो भी कर्ज के कारण बेच दी। साहूकारों के कर्ज से परेशान होकर पिता ने 7 जून को खेत में सल्फास खा ली, जिनकी 9 जून को सुबह इलाज के दौरान मौत हो गई। मेरा नाम वीरेंद्र करोड़े हैं, मैं डगावा शंकर में रहता हूं। मेरे पिताजी का नाम राजेश करोड़े हैं, उन्होंने 7 जून को कर्ज की वजह से सल्फास खा लिया था। 9 जून को उनकी मृत्यु हो गई। साहूकारों के ब्याज और कर्ज की वजह से बहुत परेशान थे, उनकी पूरी जमीन बिक गई थी और अभी भी कर्जा पूरा नहीं हुआ। कितना कर्ज था उसको? 40 लाख। और जमीन कितनी बिकी थी? जमीन पूरी बिक गई है, 10 एकड़ बिक गई थी। 10 एकड़ थी पहले, थी तो वो बिक गई है। ये 2 दिन पहले सल्फास खाने का मामला आया था। राजेश पिता लक्ष्मी नारायण गुजर निवासी डगामन शंकर, थाना सिराली जिला देवा हरदा का है, सल्फास खाने से आया था। इलाज के दौरान इसकी आज मृत्यु हो गई है। परिजनों से पूछताछ कर पीएम कार्रवाई चल रही है। मर्ग कायम कर जांच में चल रहा है। अभी कथन लेके आगे की पुष्टि करेंगे, अभी जाँच में है।